हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल बी अ प्रोग्रामर में। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में दो अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करने वाले हैं विप्रो में। प्रॉपरली दोनों अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में डिटेल में देखेंगे, जो कि उसके सैलरी के बारे में है, उसके बाद फिर उसका स्किल्स क्या रिक्वायर्ड है, उसके बाद कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, क्या अप्लाई कर सकते हैं। ओवरव्यू अगर आपको दे दूँ पहले ही, तो एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई। किसी भी ग्रेजुएट के लिए एक नॉन कोडिंग जॉब है, मतलब आपको कोडिंग नहीं आती है तो कोई इशूज़ नहीं है। बहुत से लोग हैं जो इंजीनियर्स भी हैं, वो लोग भी कहते हैं हमें कोडिंग वाली जॉब्स नहीं चाहिए, हमें नॉन कोडिंग वाले अपडेट्स चाहिए। डेफिनेटली हम लेके आएंगे, अगर आप बोलोगे, डेफिनेटली कमेंट करके बोलोगे, डेफिनेटली हमें पता चलेगा और हम ऐसे ही अपडेट्स लेके आएंगे आपके लिए। ठीक है, सारी चीजों के बारे में आपको अपडेट करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो प्लीज यार, वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट जरूर कर देना आपके प्रेफरेंसेस, आप किस टाइप की वीडियोस चाहते हो आपका ग्रेजुएशन ईयर, ताकि हमें पता चल जाए किस टाइप की वीडियोस हमें लेके आनी है, हम किस टाइप की वीडियोस पोस्ट करें तो आपके ज्यादा बेनिफिट्स होंगे। ठीक है, सारा प्रॉपर सिलेबस, सारी प्रॉपर चीजें आपको बताई जाएंगी ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। ठीक है, और क्या नाम है, ऐसी कंपनीज हैं जो ऐसी मतलब स्किल सेट्स के थ्रू और कई तरीके के थ्रू हायर करें, जो कि जिसमें डिग्रीज नहीं इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं इंपॉर्टेंट है, वो सारी कंपनीज। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो जायमी हायर कर रही है, मैंने कुछ दिन पहले इसके ऊपर वीडियो भी डाली थी, दैट इज पूरा सिलेबस वगैरह सारा कुछ बताया था कि कहां से पढ़ सकते हो, क्या पढ़ सकते हो। सारा सिलेबस के लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे, री लेवल की पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी जहां से आप डायरेक्टली प्रिपरेशन कर सकते हो इन सारे एग्जाम्स के लिए। दैट इज ये देखो तीन प्रोफाइल्स है जायमी हायर कर रही है। दैट इज फर्स्ट वन इज द एचआर जर्नलिस्ट, सेकंड वन इज अ बिजनेस एनालिस्ट एंड थर्ड वन इज अ बैकएंड डेवलपर। ठीक है, थ्री प्रोफाइल्स है प्रॉपर जिसमें हायर करिए। पैकेजेस देख लो बहुत अच्छे हैं, दैट इज 7 LPA का पैकेज है, सेकंड वन इज अ बिजनेस एनालिस्ट जिसमें 8 LPA का पैकेज है, एंड बैकएंड डेवलपमेंट के लिए 12 से 15 LPA का पैकेज है। दैट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ द इंटरव्यू, इंटरव्यू का परफॉर्मेंस काफी चीजों पर डिपेंड करता है, वो रेंज जब दे देता है ना तो काफी चीजों पर डिपेंड करता है। तो इसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है डायरेक्ट अप्लाई करने का, डायरेक्टली जाओ वहां पर टैप करके डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, बहुत अच्छी कंपनी है। हो सकता है आप जो वीडियो देख रहे हो, ये वाली वीडियो, वो जायमी के ही मोबाइल में देख रहे हो। ठीक है, एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, प्रोडक्ट बनाती है, मोबाइल्स बनाती है, एक्सेसरीज बनाती है मोबाइल्स की, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। ठीक है, अगर आप इन सारी कंपनीज में आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। सारा टेस्ट का सिलेबस मैंने नीचे एक वीडियो बनाया, दैट इज री लेवल की प्लेलिस्ट है, उसमें हर एक एग्जाम का आपको क्या नाम है सिलेबस मिल जाएगा, फ्री रिसोर्सेज मिल जाएंगे जिससे आप क्रैक कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा। ठीक है, लिंक मैंने दिया हुआ है, जाके अभी अप्लाई करो, मौका मत छोड़ना। 500 बस लेके आने, 1000 में से मार्क्स आप क्लियर कर लोगे एग्जाम। सो नाउ वी हैव केम टू द वेबसाइट वेयर वी आर गोइंग टू अप्लाई। naukri.com भी वेबसाइट है, और naukri.com की एक वेरीफाइड पोस्ट है। वेरीफाइड पोस्ट कैसे पता चलती है, यहां पे जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहां देखो ये वाले में, नहीं तो ये वाले में, हां यू कैन सी हियर दैट द कंपनी रिक्रूटर, जो कंपनी रिक्रूटर है, दैट इज अभिनव पांडे, हु हैज लाइक अपडेटेड दिस पर्टिकुलर रोल, दैट इज आईटी डेस्क इंजीनियर, आईटी सर्विस डेस्क इंजीनियर, इन लोगों ने वो किया है, दैट इज अपडेट किया है, डेफिनेटली एक वेरीफाइड है। तो ऐसे करके हम लोग वेरीफाइड भी पता कर सकते हैं, बिकॉज naukri.com पे बहुत ढेर सारे फेक भी हैं, तो ऐसे करके हम लोग वेरीफाइड चीजें खोज सकते हैं। ठीक है, एज यू कैन सी विप्रो इज हायरिंग फॉर दिस, एंड यू कैन सी हियर दैट, अभी वीडियो छोड़ना मत भाई, देख लो, मैं नीचे अपने वेबसाइट का लिंक दूंगा, उस वेबसाइट में भी काफी चीजें आपको मिलेंगे जो आपको हेल्प कर सकती हैं आपके रेज्यूम बिल्डिंग में, आपके डिफरेंट डिफरेंट चीजों में। ठीक है, और एक्सेल एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट हो चुका है, मैंने लिंक नीचे दिया हुआ है वीडियो का, वहां से जाके एक्सेल 100 लगाओ, एक्सेल फ्री ऑफ कॉस्ट 31 मार्च तक है, जाके यूज करो उनसे पर्टिकुलर कोर्स का, डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग फिर ये देख लो, दैट इज यहां पे लोकेशन है, दैट इज पुणे के लिए, बैंगलोर के लिए, बेंगलुरु के लिए, वर्क फ्रॉम होम अंटिल कोविड, मतलब जब तब तक ये वर्क फ्रॉम होम की सिचुएशन चल रही है तब तक वर्क फ्रॉम होम है, उसके बाद वर्क फ्रॉम ऑफिस हो जाएगा, परमानेंट नहीं है बट वर्क फ्रॉम होम है। ठीक है, आईटी डेस्क सर्विस इंजीनियर क्या करता है बेसिकली, एज यू कैन सी हियर एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई, मिनिमम ग्रेजुएशन इज मैंडेटरी, मतलब अगर आप कोई भी ग्रेजुएट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, कोई इशूज नहीं होने वाले हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो परेशान होते हो, उनके वो जॉब्स खोजते हैं, उन्हें मिलती नहीं है, नॉन टेक जॉब्स खोलते हैं, आईटी सपोर्ट जॉब्स खोलते हैं, तो उन्हीं लोगों के लिए मैंने ये अपडेट लेके आया, बिकॉज बहुत से लोग परेशान हो रहे थे। परेशान नहीं होना है भाई, हम लोग हैं ना, हम लोग लेके आ रहे हैं ना चीजें, आप लोग बस अप्लाई करते रहो, अप्लाई करो, तैयारी करो, रेज्यूम को बिल्डअप करते रहो, डेफिनेटली अच्छी जगह लग जाएगा। ठीक है, दिस इज द मतलब वही है, प्रोसेस है बेसिकली, ऐसा नहीं है कि एकदम से लग जाएगा, दिस इज अ प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट थिंग फिर यहां पे देख सकते हो, दैट इज सैलरी एज मार्क्स एज पर मार्केट स्टैंडर्ड्स, तो ये आप गूगल कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट थिंग फिर की पॉइंट्स वगैरह के बारे में दिया हुआ, की पॉइंट्स इंटरव्यू में जब आप जाओगे, इंटरव्यू में क्या क्या चीजें मैं पढ़ लूँ तो आपके लिए एक बेनिफिट होगा, दैट इज फर्स्ट थिंग। दैट इज थोड़ा सा जूम करेंगे हम लोग, थोड़ा सा जूम करके एक एक चीजें आपको बताएंगे। द फर्स्ट वन इज द कैंडिडेट शुड हैव एक्सलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश, दैट इज यू शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश। इंग्लिश इज नॉट अ थिंग कि हाँ भाई आपको एकदम फ्लुएंट, एकदम 100% फ्लुएंट होना है। इफ यू आर गुड टू टॉक, मतलब नॉर्मल बात करने भी आती है, देन यू आर ओके टू, मतलब आप ओके हो, आप इंटरव्यू दे सकते हो,
सकते हो, कैन पार्टिसिपेट इन द इंटरव्यू, ठीक है। नेक्स्ट थिंग फिर आता है, दैट इज कैंडिडेट शुड हैव बेसिक नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर, मतलब वीपीएन का, ट्रबल शूटिंग का, कॉन्फिग्रेशन का। तो अगर आप आईटी डेस्क सर्विस में जा रहे हो, डेफिनेटली आपको कंप्यूटर का, थोड़ा बहुत नेटवर्किंग का, थोड़ी बहुत ये सारी चीज़ें तो दी हुई हैं, वीपीएन, वर्चुअल क्या नाम है, वर्चुअल नेटवर्क, जो वर्चुअल नेटवर्क होता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फिर ट्रबल शूटिंग के बारे में, कभी आप एरर आ गया तो कैसे उसको सॉल्व करोगे, इन सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट थिंग कॉन्फिग्रेशन कैसे करते हैं, टिकटिंग कैसे करते हैं, इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं चीज़ों का, वो सारी चीज़ पता होनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज कैंडिडेट शुड आंसर द इन अ ब्रीफ, मतलब वॉट एवर इज आस्ड टू यू, यू हैव टू बी पॉइंट टू पॉइंट, मतलब पॉइंट बाय पॉइंट करना है। एंड जब भी आप इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करोगे ना, इस वाले लिंक से, पहली चीज़ तो जब आप अप्लाई करोगे, आप अकेले नहीं अप्लाई करो, बहुत ढेर सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका रिज्यूम अगर अच्छा है ना, तभी रिज्यूम में जो प्रोफाइल होगी naukri.com की, वो प्रोफाइल अच्छे से बनाना, मतलब ऐसा मत बनाना कुछ भी भर रहे हो, पर मतलब ऐसे ही भर रहे हो, यू हैव टू बी अप टू डेट रखने प्रोफाइल को, चीज़ों को अपडेट करते रहना है, यूज़ करते रहना, एक्टिव रहना है, तभी वो सारी शॉर्ट लिस्टिंग, वो सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट थिंग फिर कैंडिडेट शुड नॉट आंसर इन अ सिंगल वर्ड इन इंटरव्यू, मतलब एलैबोरेटिव होना है, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि हाँ ब्रीफ कि हाँ व्हाट इज़ योर नेम, अनुराग, बाय नेम इज अनुराग, ऐसे करके डिफरेंस पड़ता है, ठीक है। लाइक यू हैव टू बी एलैबोरेटिव, एलैबोरेट करना है चीज़ों को, जो चीज़ें हैं, ठीक है। कैंडिडेट शुड स्पीक मोर इन इंटरव्यू विल बी एडवांटेज पॉइंट, मतलब अगर आप बात करते हो, बिकॉज इट इज़ अ सर्विस डेस्क, सर्विस डेस्क में क्या होता है, बेसिकली सपोर्ट काइंड ऑफ जॉब है, आई टी सपोर्ट काइंड ऑफ जॉब है, आप बात करोगे तभी उनको क्लियर होगा कि हाँ भाई यू आर गुड एट कम्युनिकेशन स्किल्स, दैट विल डिसाइड कि हाँ यू विल बी गेटिंग सेलेक्टेड और नॉट सेलेक्टेड। मैं इस पर इसलिए इतना ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, बिकॉज अगर आप इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट हो जाते हो, तब क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, क्या क्या चीजें पता होने चाहिए कि हाँ इंटरव्यू में सारी चीजें पूछती हैं, सारी चीजें मेंशन है, पॉइंट बाय पॉइंट मेंशन है। कैंडिडेट शुड बी एबल टू एक्सप्लेन प्रॉपरली दैट एक्चुअली विद क्या नाम है, वर्क एक्सपीरियंस अगर आपको है तो अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, सर्विस डेस्क का रोल है, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स रिक्वायर्ड है। उसके बाद फिर यहाँ पे देख सकते हो रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में लिखा हुआ है, ये हो गया पहला वाला जॉब, ठीक है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लॉग इन करके अप्लाई कर सकते हो या रजिस्टर एंड अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। पहले रजिस्ट्रेशन अगर आपका है naukri.com पे, वेल एंड गुड, अदरवाइज नो नीड टू वरी, यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज टेक सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, टेक सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, इसकी सैलरी वगैरह सब कुछ यहाँ पे लिस्टेड है, दैट इज 1.75 से लेके 3.50 LPA का पैकेज है। एंड दिस इज अ इंटरनेशनल वॉइस प्रोसेस, बात करनी है लोगों से, कस्टमर सपोर्ट काइंड ऑफ जॉब है, टेक सपोर्ट है बेसिकली, टेक्निकल में आप लोग काम करने वाले, एक नॉन कोडिंग जॉब है, नॉन कोडिंग टेक्निकल IT जॉब समझ सकते हो। नेक्स्ट थिंग फिर यहाँ पे देख लो, द लोकेशन इज फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यू टू, जब तक ये पैंडमिक की सिचुएशन या जब तक आपको बुलाया नहीं जा रहा है, तब तक आपको वर्क फ्रॉम होम पे मिलेगा और आपको सारे सिस्टम, सारी चीज़ें आपको कंपनी की तरफ से ही मिलेंगी, कोई भी इशूज उसमें नहीं होने वाले हैं, आपको कंपनी की तरफ से सारा कुछ घर पे मिलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग फिर यहाँ पे देख सकते हो, दैट इज पुणे, बैंगलोर, उसके बाद दिल्ली, मतलब मेन जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वो सारे कवर्ड हैं, और भी जो लोकेशंस होगी अगर प्रेफरेंस मिला तो आप दे सकते हो अपना। नेक्स्ट थिंग फिर एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई, उसके बाद इंग्लिश में फ्लुएंस होना चाहिए, मतलब फ्लुएंसी, यू हैव टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, लाइक आई एम टॉकिंग नॉर्मल इंग्लिश, इट इज़ नॉट लाइक कि हाँ एकदम 100% फ्लुएंट, यू आर नॉट, मतलब थोड़ा बहुत भी नहीं हकला रहे हो, इट इज़ नॉट लाइक दैट, यू हैव टू बी लाइक दैट विल कम विद प्रैक्टिस, डेफिनेटली वेन यू विल प्रैक्टिस, वेन यू विल बी हैबिचुअल ऑफ इंग्लिश, डेफिनेटली इट विल कम, ठीक है। तो वो चीज है। नेक्स्ट थिंग विल दोज हु आर नॉट, दोज हु डोंट हैव, प्लीज डू नॉट वेस्ट, मतलब इंग्लिश में फ्लुएंसी अगर आप उतनी ज्यादा नहीं है, बिकॉज ये क्या है, इंटरनेशनल वॉइस प्रोसेस है, ठीक है। तो इंग्लिश अगर आपकी अच्छी है, नॉर्मल फ्लुएंट हो थोड़ा बहुत, तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग विल एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई, BPO जॉब है, बिजनेस प्रोसेस ऑपरेशंस की जॉब है, तो अप्लाई करने के लिए नॉर्मली यही चीज करना है, और सैलरी वगैरह, इंसेंटिव्स वगैरह डेफिनेटली विप्रो के जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके तरह ही आपकी रहेगी, दैट इज जो विप्रो का है नॉर्मल, सारा कुछ सैलरी वगैरह के बारे में सारा कुछ दे दिया है, वैसा ही सारा कुछ रहेगा। अप्लाई करने के लिए बस आपको क्या करना है, लॉग इन टू अप्लाई पर टैप करना है, आप अपने गूगल फॉर्म से, मतलब गूगल ID से लॉग इन कर सकते हो, आप अपना लॉग इन क्रिएट कर सकते हो, आप अपना एम्प्लॉय एक बार क्रिएट कर लो, दैट इज बेटर, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे अपना ये डाल दूंगा, दैट इज माई फुल नेम, ठीक है, तो बाद में भी मेरे यूज आ जाएगा, एंड आई एम अ फ्रेशर एंड आई विल राइट हेयर लाइक ये वाला, बिकॉज आपको कॉल आएंगे उस सारे नंबर्स पे, ठीक है, इस नंबर पे आपको कॉल आएगी, तो वो ध्यान से रखना। उसके बाद यहाँ पे अपनी सिटी का डाल देना, आई एम फ्रॉम बैंगलोर, तो मैंने बैंगलोर डाल दिया। उसके बाद अपना आपको रिज्यूमे अपलोड करना है, रिज्यूमे अपलोड करना है, एक प्रॉपर अपडेटेड रिज्यूमे अपलोड करना, जो एकदम अच्छे से ATS वगैरह, मतलब ATS फ्रेंडली हो। ATS क्या होता है पता कर लेना, गूगल कर लेना, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम होता है, जो बेसिकली जो कंप्यूटराइज्ड ऑनलाइन, बिकॉज कोई रिक्रूटर नहीं बैठा है करके हज़ार शॉर्टलिस्ट करने में, हज़ार रिज्यूमे,
तो डेफिनेटली वहां पे क्या होता है कि सॉफ्टवेयर्स होते हैं ऑटोमेटेड, जो पर्टिकुलर कीवर्ड्स के हिसाब से वो शॉर्टलिस्ट करते हैं, अलग 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 क्राइटेरियाज होते हैं, इसके ऊपर शॉर्टलिस्टिंग होती है। ठीक है, यहां पे जस्ट मैंने क्या किया, सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद इसमें मेरा ओटीपी जाएगा, आई कैन स्किप दिस, आई कैन, मतलब अगर मैं वेरीफाई कर लेता हूँ बेटर होगा। ठीक है, यहां पे मैं अपना कोर्स वगैरह डालूंगा, उसके बाद जस्ट आई विल क्लिक ऑन दिस, वॉट एवर इज माई स्पेशलाइजेशन वो मैंने डाल दूंगा। उसके बाद यहां पे मेरे को स्पेशलाइजेशन अपनी डालनी है। ठीक है, देखो यहां पे मैंने सारा कुछ डाल दिया, दैट इज माय कॉलेज नेम, एवरीथिंग आई हैव एंटर्ड, व्हाट एवर माय डिग्री, सपोज आई एम फ्रॉम बीकॉम, वो मैंने डाल दिया, तो वो सारी चीजें डाल दी। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है, उसके बाद यहां पे मेरे को हेडलाइन डालनी है, तो मैं कोई ऑटोमेटेड हेडलाइन भी डाल सकता हूं, खुद का डालोगे ज्यादा बेनिफिशियल है। उसके बाद फुल टाइम एम्प्लॉय के लिए तो खोज रहा हूं, और मैं खोज रहा हूं सपोज मान लो बैंगलोर में। ठीक है, तो मैंने चूज करके सबमिट कर दिया, अपने प्रेफरेंसेस वगैरह डाल दिया, यस आई एम इंटरेस्टेड, और अपना क्या नाम है अपना, ये तो स्किप एंड कंटिन्यू कर सकता हूं। और मैं क्या कर सकता हूं, जैसे मैंने ये वाले के लिए अप्लाई किया, यहां पे मैं रिफ्रेश करूंगा एंड आई कैन डायरेक्टली अप्लाई। अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं डायरेक्टली यहीं से अप्लाई कर सकता हूं, अपना एक्सपीरियंस डाल दिया, मतलब एक बार आपको प्रोफाइल बनानी है उसके बाद डायरेक्टली आप यहीं से अप्लाई कर सकते हो। तो सारे लिंक्स नीचे मेंशन है, जायमी का भी, शाओमी का भी, मतलब जायमी कहते हैं, शाओमी कहते हैं कई लोग, शाओमी का भी लिंक नीचे मेंशन है, एमआई का, शाओमी का। तो डेफिनेटली आप जाके तीनों रोल्स के लिए किसी एक के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो। डेफिनेटली 500 मार्क्स पासिंग मार्क्स है 1000 में से, पहले 700 था, बहुत कम हो चुका है मार्क्स, डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। सारे सिलेबस, सारी चीजें दे दी गई है प्रिपरेशन के लिए, जाके ट्राई करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है सारी चीजें। और मैंने एक्सेल का कोर्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया हुआ है, जो कि 31 मार्च तक फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें आपको डायरेक्टली क्या करना है, जाके जस्ट रजिस्टर करना है, रजिस्टर करके अपने अकाउंट में ले लो, उसके 3 साल तक वो वैलिड रहेगा, आप डेफिनेटली कभी भी देख सकते हो। ठीक है, तो वो भी, उसका भी कूपन कोड Excel 100 अगर आप यूज करते हो, डेफिनेटली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो यही सारी चीजें मैं बताना चाह रहा था। अगर आप मेरी वेबसाइट पर जाओगे तो आपको और ढेर सारी चीजें मिल जाएंगी, दैट इज फ्री रिसोर्सेज हो गई, इंटर्नशिप्स के ऊपर हो गए, रिसोर्सेज पढ़ने के लिए, VCS प्रोसेस के लिए, डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं उसके लिए भी मैंने डाली हुई है, डेफिनेटली आप यूज कर सको। टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, जॉब्स वगैरह सब कुछ अपडेट करते रहते हैं, डेफिनेटली आप यूज कर सको। तो यही सारी चीजें मैं बताना चाह रहा था। अगर आपको कोई भी चीजें चाहिए, डेफिनेटली आप नीचे कॉमेंट करके मांग सकते हो, टेलीग्राम पर मैं चीजें पोस्ट करता रहा हूँ, वीडियो मैसेजेस, उसके बाद कई चीजें इंस्टाग्राम पे भी इंफॉर्मेटिव मजेदार सब कुछ पोस्ट करता रहता हूँ, व्लॉग चैनल पे बहुत मजेदार इंस्पिरेशनल, मतलब जो भी लाइफ में चल रहा है वो सारी चीजें आती रह रही हैं, डेफिनेटली आप फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसी चीजों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, सपोर्ट जरूर बना के रखना, मिलते हैं आपको।